जो एक निवाले के लिए तरसते हैं, एक निवाले के लिए तरसते हैं, जिन्हें नसीब नहीं होता है एक रोटी का टुकड़ा, एक चावल का दाना। आप यकीन नहीं करेंगे अगर मैं कहूं आपसे कि स्लम्स जो होते हैं वहां पर जो अमीर घराने के लोग खाना खाकर फेंकते हैं, तो आपने कभी देखा वहां जाकर लोगों को चुनकर खाते हुए? गटर में बिरयानी फेंक दी गई, या एक रोटी फेंक दिया गया, बर्गर फेंक दिया गया, पिज्जा फेंक दिया गया, तो क्या आपने देखा नहीं अभी तक? हैवंट यू एवर सीन पीपल गो देयर पिक इट अप एंड दे ईट इट? किसी ने देखा है? कचरे में ले आकर फेंक देते हैं और उसको लेकर खाते हैं। आपकी आंख ने बस इतना ही देखा है, देखने वाले आंख ने यहां तक ये भी देखा है उसी रोटी पर कुत्ता पेशाब करता है और वो बंदा इंतजार करता है कि वो कुत्ता चला जावे, मैं जाऊं और वो रोटी लेकर खाऊं, और जाने के बाद पोच कर वो रोटी भी खा रहे हैं। ऐसे लोग हैं, यहां तक बात समझ में आती है। लेकिन कुछ लोग पखाना करने के बाद जो टमाटर जो बच जाता है उसको धोकर खाने वाले भी हिंदुस्तान में भी है और दुनिया में भी है। हमें कोई वैल्यू नहीं है, न पैसे की कोई वैल्यू है, न खाने का कोई हमें कदर है। इसी के लिए एजुकेशन पर एम्फसिस किया गया है, ताकि मिल बांट कर खाएं, सबको दें, लेकिन हमें कोई कदर है ही नहीं। ना एजुकेशन की कदर है, ना पैसे की कदर है, ना इंसानियत की कदर है कि कितने तड़पते हैं लोग खाने के लिए। और जो खाना आपको मिल रहा है वो बड़े आराम से आप खा रहे हैं, उसको फेंक भी रहे हैं। और वो जो 12 रुपए का एक सिगरेट पीता है, वो एक बार सोच ले कि जमा सर ने क्लास में कहा था रोटी पर कुत्ता पेशाब कर रहा है, कुत्ता जाने के बाद उसे साफ करके वो रोटी खाने के लोग दुनिया में है, मैं ये 12 रुपए सिगरेट के बचाऊं और कोई गरीब के घर दूं तो वो घर की भूख मिटेगी, ये हमें कभी ख्याल ही नहीं आता। हम लोग बस अय्याशी में गुजारते हैं। वो अय्याशी में गुजारने वाले लोग ये सोच लें कि वो पैसा अल्लाह ने दिया है आपको, आप खुद से नहीं बनाए हैं पैसा, वो अल्लाह ने दिया तब वो आपने बनाया है, वरना आपको वो पैसे नहीं मिलते। अल्लाह ताला आपको वो जगह पर रख सकता था जो रोटी को पोंछ कर खाते हैं। आप और मैं, हम भी हो सकते हैं उस पोजीशन पर, क्या नहीं हो सकते? हम भी हो सकते हैं। अल्लाह चाहे एक सेकंड लगेगा, एक दिन लगेगा, एक जलजला आ जावे पूरे शहर में तो सब सत्यानाश हो जाएगा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आप एक दिन बर्दाश्त करोगे भूख, दो दिन बर्दाश्त करोगे, तीन दिन बर्दाश्त करोगे, चौथे दिन इंसान को इंसान खाने लगेगा भूख, इतना कमजोर इंसान होता है। तीन दिन बर्दाश्त करेगा, उसके बाद जो मिला बस वो खाने को तैयार हो जाएगा। आप लोग ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप से अपने जहन को बनाइए, कोशिश कीजिए कि हमें बहुत बड़ा इंसान बनना है, बहुत पैसे बनाने हैं, बहुत चैरिटी करने हैं, बहुत हेल्प करने हैं, ट्रांसफॉर्म करना है अपने फैमिली को, अपने सोसाइटी को, अपने होम टाउन को, अपने वर्ल्ड को। कभी ये ना सोचें मेरे एक से